अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसीलिए तो मुलजिम और मुद्दई दोनों को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वैसे अवाम का भी कसूर है, जो भी पुलिस के साथ तामन करना चाहे ना, लोग कहते हैं कि माली तावन की बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपको बर वक्त इंसाफ मुहैया करे तो उसे मौका ही ना दे। वैसे इस मुल्क में हर चीज का रेट आसमान से बातें कर रहा है, तो क्राइम रेट क्यों पीछे रह जाए। आज लेकर चलते हैं आपको एक पुलिस स्टेशन जहां पर बहुत चहल पहल हो रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। ओ किथे चले गए हो, की देख रहे हो? SHO अंदर होवे ना जनाब, तो दी पोजीशन ही कोई होर हुंदी है। हुण पता चलिया जे सजा की हुंदी करना है। ओ छेती आओ, तिने जने मेनू घूरियां पाउण डए। तो सजा मिली भी आज आपको, क्या जुर्म किया है? मैडम जी, मेरे साहब जी ने कहा कि अंदर तक तफ्तीश कर, तो मैं अंदर आके तफ्तीश कर रहा हूं। माइंड ना करो, तो तुसी काफी अंदर आ गए। देखा, लॉकअप में थोड़ा सा भी टाइम गुजारना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह करे अद्धा घंटा होर रहो, तुहानू पता लगे सजा कितनी बुरी है। मैं कहना बस ये बुआ खुल रहा है, तो मैं उठे बहना है। ठहरो हुण, SHO साहब दियां सदा अंदर रहण। एक मिनट ठहर जा। अच्छा, आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि जब आप बेगुनाह लोगों को अंदर लॉकअप में बंद करते हैं तो वो कैसा फील करते हैं? असी क्यों किसे मजलूम नु फड़ना जी, जेड़ा वारदात करदा उनु फड़ी दे जी। ये दोनों वारदात ही हैं? होर तानू की लगन डए ने हो? ये तो मुझे कोई नफीस से खान साहिबान लग रहे हैं। सोने दे सेरे लगने। मैं जो इन्हां दी चोरी दसनी है तो इस किस्म दा इन्हां ने तुहाडे दिलों उतरना। जे साहब जी मैनू 500 दिओ, मैं तुहानू कढा सकना इथों। तू मैनू 200 दे, मैं तैनू मिंट च कढाउणा। मेहरबानी जनाब। अंदर मैं डरिया डरिया खलोता सा, छे हो जाओ अंदर ला लेना। बाहर निकलते साथ ही SHO साहब बिल्कुल बदल गए हैं। ना ताला ना ला, छड़ दे। दौड़ सकते ही नहीं, 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 नहीं दौड़ सकते। बाहर ठंडी इतनी, मरो भी कितने। ठंड ना कहो, थाने पे नाना जी ठंड ना मरे नहीं। ओके में गिल्लियां जराबा पा बैठे सी। आप बड़े फेमस होते जा रहे हैं, अब तो बिहेव करते होंगे ना, अब तो गलत गलत फैसले नहीं करते होंगे। सख्त लग गई जी हर पासे, पूरे शहर च धुंध जिहड़ी है उन्हें अपनी छां बनाई है। अच्छा। सवेरे सवेरे लोगों नूं टाइमां नाल घरां च पहुंचाईदा जी, नाके नूके ला के ते खलोते रहीदा जी, लोगों नूं रस्ते दसीदे ने। हुण पुलिस की करे जी? ओ धुप वाली गल कर लो, तुहाडी मेहरबानी। साहब जी इन्हां दी सजा इक्को ही है की, सिर्फ इन्हां दे अग्गे पखा ला दे। ओ तूं मते हक मेरे ला कर। ओए असीं ते ठंड तों इन्ने डरे, साडे घर नूं अग लगी, असीं बुझाउण वालेयां नूं नहीं बुलाया, सारे टब्बर बहि के सेकदे ने। जिन्ना मर्जी गाना गा लेन, जो मर्जी सुना लेन, नगद नगद ही। SHO साहब हंसी मजाक साइड, इनको किस जुर्म में लेके आया? लकड़ा चोरी करते फड़े गए। ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। ये इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है, इनको जरा जल्दी डिसमिस करें। मैडम जी, ये दा फैसला ते हुण अदालत ने करना है, साडा काम है पर्चा दे के सी अंदर सुट दिता इन्हां नूं। देखें, जुर्म आपने बहुत बड़ा किया, दरख्त काटना ये एक्चुअली एक जुर्म है। लकड़ी कौन सी थी जो काटी थी? लकड़ी लकड़ी पे भी तो डिपेंड करता है ना, कुछ लकड़ियां बहुत नायाब है, हो सकता संदल हो। मुझे संदल कर दो। इतनी ज्यादा सजा ना दें, कोई गाना वाना अच्छा सा सुने और जाने दे। हां इंस्पेक्टर साहब, गाना थाना है, जेल है, इथे केड़ा गाना? साडे ते मुजरम ही बहुत घट होंदे, जे गाउण वाले आ गए ने सवाब ना सोणी लो। ओ जेड़े सर्दियां च अग नू बजाउंदे ने, ओ फेर भी माड़े लगदे ने, जेड़े सर्दियां च अग ये जो आपने लकड़ियां काटियां ने, तो जुर्म है जी। लेकिन ये जो बुरे सुर लगाए ना दोनों ने,
ये उससे भी बड़ा जुर्म ओए जी भाई ओथे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ हुन तस्वीरें खिचण लगे इस टाइम गाकी दा टाइम है ते विच बोलना ना अच्छा जो साहब हां जी सुने इन्होंने गाना तो अच्छा नहीं सुनाया इनसे कहो थोड़ा सा भांड प्रोग्राम कर दें वो चमोटा तो हाय 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 उधर ते देख जरा क्या कहने क्या बात अपना पासवर्ड बनाना सी ते अपनी बीवी दा शनाख्ती कार्ड ले गया उन्होंने कहया की कहना तुसी आप ही कहने नादरा दा शनाख्ती कार्ड ले गया नहीं हल्का जिहा भी रंग पीला नहीं पैण दिया वेखो नहीं पीला क्यों पड़े बताओ ना आ बंदा किस दिन आवे ना मेरे थाने अच्छा मैडम जी मैं वेखना पिट पिट करके जिहड़ी मोटरसाइकिल ते लंघदा किवें लंघदा बाहरों इहो जिहे बंदे दी बदलां ते तस्वीर बणदी हवा चलदी पर वट्टा ही उड गए तक और भी रोग बैठे इहो जिहे बंदा दरबार ते मशहूर हुंदा लम्मे वाला नहीं जिहड़ा इंज ही करदा हाय हाय तो भी साफ होई कि नहीं हाली नहीं नहीं उन्हें छोड़ दें प्लीज मेरी शख्सी जमानत पे छोड़ दें एक बंदा फड़ो 83,000 टेलीफोन इंजी आएगा कि जिम्मे उन्होंने कुछ आता मेरे कहने तो छोड़ दियो ऊपर से आते फोन ऊपर से आते हाँ जी उतले पोर्शन चो जी ओए होए 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 ओ द्रोई खुदा आ दियो फड़ो फड़ो के हो ओ जुलम जुलम होन लग पे जुलम होए हो ओ राम 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 मैं पाजे राम राम एनो फड़े के लायो ठंडी है ठंडी है ओ होया की ये सर जी दसो ते सही ना सर जी मैं बड़ा गरीब बंदा जी ए तू ना भी दस सानू पता लग रहे आ तेरा जड़ा हेलीकॉप्टर खलोता मरे बाहर मैं तू ऐ मेनू लगया तेरी वखी चढ़ी है इदे को हेलीकॉप्टर भी होवे ते सीएनजी ते होवे ना की अपना बाऊ जी चौधरी हैप्पी लिख लो जी माशाल्लाह ओ ते तुहाडे मुंह तो लगदा कि अगले 5 साल भी नहीं हैप्पी होगा वो पहले अभी तो तकलीफ में है ना इसलिए ऐसा है अच्छा तुहानू पता नहीं है तुसी मिठे मिठे तरीके ने बहुत झाड़ा पा रहे हो सर मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी किस तरह की वारदात हुई की वारदात हुई भी तेरे नाल एक औरत टकरी जी मेनू ओ आंदी जी मैं तेनू नौकरी लवासा वेखिया ना जी केस बनदा पिया देखिए कहंदी मैं तेनू नौकरी लवासा फिर एवें लाजा कोया बैठे हैं आपके पास तो हर किस्म के लोग आते होंगे ना पढ़े लिखे अनपढ़ मुख्तलिफ जबानों के तो आपको समझ आनी चाहिए ना उसके बाद जी मैं टीचर SHO हूं मैं हुण मैं किन्नी जबान ना समझ नहीं आ इंग्लिश नहीं साडे मगरों लै आप उसको मुद्दा समझे ना क्या मुद्दा सीधा बयान कर ओए मुद्दा सीधा बयान कर काका बैठा मुंह ध्यान एक इस तरह ना हाथ आया मेरे ऐ मुंह ते ओए होए 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 फिर मैं बेहोश हो गया ओए आहो बेहोश हो गया ते इहदे च रोण वाली केड़ी गल है जिस वेले मैं उठी जाना जी ते मेरा आ गुर्दा कोई नहीं आ ओए होए 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 लो जी मैडम जी ए आया जे गुर्दा चोरी दा केस ओए एड्रेस लिखा दा डॉक्टर हो मेनू नहीं पता जी अच्छा देखिए आप एक बहुत बड़े माफिया पे हाथ डाल सकते हैं असल में बात यह है कि पूरी दुनिया में इलीगल काम है गुर्दा बेचना खरीदना सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गुर्दा बेचना और खरीदना बाकायदा सिस्टम है उनका लीगल है बाकी तो पूरी दुनिया में ये काम इलीगल ओ मैडम जी तुसी सही कह रहे हो माफिया तक भी होली होली पहुंच ही जावांगे मैं ओ एड्रेस लिखा डॉक्टर दा सर जी जीटी रोड ते ओ वड्डा चौक आंदा है जीटी रोड ते ए आ गया वड्डा सारा चौक अखबारों में के बच्चों को वरगला के ले गए बड़ों को वरगला के ले गए उनकी किडनी निकाल लिया तो ये बड़ा सीरियस इशू है और ज्यादातर जो शिकार है ना वो बनते हैं नशे के आदि इसलिए क्योंकि वो नशा करके गिरे पड़े होते हैं वो उठाते हैं उनको ले जाते हैं और वहां पे उनको पूरी जिप लगाते हैं और अगले दिन वो छोड़ जाते हैं और कई बंदों को तो 10-10 दिन बाद पता चलता है हमारा गुर्दा निकल गया नहीं जबारी नहीं आपको नहीं सब्र हो रहा है जबारी नहीं सब्र हो रहा है संभालो संभालो अपने आप को संभालो अपने आप को तोड़ सुटा चूड़ियां खोल सुटा बाल जिमें रो रहा मैं लगता है ये उन्हें दोवें गुर्दे काट ले हो रहे पाजी जरा तुम परले पास हो अगली रिपोर्ट लिख लीए अबू गुर्दा काट लिया किसी ने बुजुर्गो पहले दुध घर छाड़ी है उन्हें तारदार साहब हाँ जी अभी को रो रो के मेरा की हाल हो गया इतना रोन दे तू ससी दा अब्बा ते नहीं किते और मेरा लवली गुआच गया लवली गुम गया मेरा ओए होए होए सी बैठ के बात करते हैं लवली गुआचा है उन्होंने जी लवली गुम हो गया मेरा अच्छा जी मैं कहना कि दाखिली और खारजी रास्ते बंद करा दो लवली है
कड़ियल जवान कोई थरथली पा दे लवली लबना चाहिए लवली लवली या किसी ने अगवा कर लिया तावान के लिए आपका जब मैंने पता होगा कि किसी ने अगवा किया तो मैं थाने की लेना नहीं अभी तक तावान के लिए फोन भी नहीं आया तो मेरे ख्याल से नहीं तक फोन शोन नहीं तानू आया कि भी इतने पैसे दे के लवली ले जाओ यही बात मैंने अभी बताई है आप लोगों का काम पर ध्यान है नहीं माशाल्लाह ए लवली दे मामू ने मेरे सब मेरे दोस्त हैं मेरा नाम अक्दस जुबैरी है और मैं शमसी साहब का दोस्त हूं जी जी लवली नु आखिरी बारी किथे वेखिया सी तुसी तेरे किचन किचन च वेखिया ओए होए कुछ खांदा खांदा अगवा हो गया मैं अज करके गया किचन च सिगरेट पी रहा मैनू वेख के अंकल करके पीछे लुका लिया उस डर की वजह से तो लवली नहीं भाग गया कहीं नहीं नहीं मेरे तो मोहब्बत ही बहुत सी किचन च वेखिया जी तुसी हुण वेखोगे तो बाथरूम च ना बह के पीण डिया होवे सारे घर दी तलाशी ली है जनाब अच्छा जी बड़ा फिक्की दाल वर्गी शक्ल तुहाडी मैं करना नहीं लभा इंस्पेक्टर साहब वो रो रो के हलकान हो रहे हैं उनका बेटा घुट गया आप थोड़ा कोई एक्शन दिखाएं तुहाडा शो बड़े शौक नाल देखदा सी मेरा शो भी देखता था मैं कहना कि जदों तुहाडा शो लगदा सी 11 बजे 3 मिनट ते इंज करके कमल च ने इना क मुंह बाहर कढ़ के तुहाडा शो देखना और नाल मूंगफलियां खाना सी लवली जहां कहीं भी हो रिपोर्ट टू योर डैड ही सो अपसेट प्लीज जनाब मैं कलाम कहांगा तुहाडे सामने खलो के जी चेहरा मेरा लवली लम के ले आएगा लवली मिलना चाहिए हमें मिनट कटा दोपहरी 10 मिनट मिलना चाहिए तेरा ख्याल तू साडे दुख च शरीक हो रहा है खुली ऑफर ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਜ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਆਪ ਆਪਕੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੇ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਵਲੀ ਕੋ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਓਏ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੇ ਗਮ ਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸਕਾ ਕਿਡਨੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਚਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਸ਼ਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਲਵਲੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ मैं ये सोच रही हूँ इतनी देर से कि थाने में आके लोगों का इतना वक्त जाया होता है आप बात ही नहीं समझ रहे किसी की जब तक वाह मैडम जी तानू लगता है कि ऐसे ये थे वेले बैठे हैं ये एसएचओ साहब बस खामखा एंजॉय कर रहे हैं आपकी बातों को आप जरा अपना मसला खुल के बताएं उनको ताकि आपके लवली को ढूंढने जाए दस रहा है कि लवली जेड़ा है जी ओदे वर्गा पूरे पाकिस्तान किसी को लवली नहीं हैगा वो तो अपना बच्चा प्यारा ही होता है सबको कैसी बातें कर रहे हैं आगे बताएं मैं किचन से गोश्त पे है मेरी इजाजत बगैर उन्होंने नहीं खाना लेकिन लोगों को पेट्स भी प्यारे होते हैं जानवर है वो बिना यकीन कर भी कभी खारिश होती ना लक बंदे जिथे हाथ नहीं पहुंचता लवली ने उथे अपने पंजे मैं कहने मुझे पता है मेरे पास भी 4-5 कैट्स हैं जी हम बिल्ले नु कितों लभना सी जा पाइया दूध लेके आ किसी का फेवरेट पेट खो जाना उसको वाकई बहुत तकलीफ दुनिया में बड़े बड़े मशहूर लोग थे जिन्होंने अपने पेट पाले हुए थे और उन्होंने बड़ी चीजें उनके नाम की थी जिसमें माइकल जैक्सन सबसे सरेफहरिस्त उसने जो चिंपैंजी रखा हुआ था ना जिस तरह के माइकल जैक्सन कपड़े पहनता था वही वो पहनता था कल शामी 7:30 बजे आ जाना कल आप 7:30 बजे तक कैसे ढूंढ लेंगे जाहिर जी तो भुखा होएगा थकिया होएगा वापस घर आ जाएगा जी एसएचओ साहब वो अपनी गारद का पता करें जो पकड़ने गई हुई डॉक्टर को जितनी एसएचओ साहब की रफ्तार है तो आप अंदाजा लगा लेना कि वर्कर्स की भी तो उतनी रफ्तार होगी ना एसएचओ साहब हाँ जी तुम्हारे पैरों थलो थाना निकल जाना ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਿਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਇਹ ਬਰੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਲਪਰੇ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ। ਜੀ 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 ਬਤਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸਨੇ ਆਕਰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਧਰ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖ। ਉੱਠ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਜੇਬ ਚ 100 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੋ ਜੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਇਹ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਲਾਊ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਦੋਗੋਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। 7 ਲੱਖ 'ਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਮ ਸਟੂਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਜੀ ਓਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੋਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਸਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਐਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਦੇ ਸੋਨੀ ਕੰਪੀ ਮਲਕ। ਓਏ ਮਲਕ ਸਿਨੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਨੈਰੀ ਹੈ ਮਰੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਲਵਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਰੌਣ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? I think we'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Mastiyan. Ek gareeb kisan ka beta irada karta hai aur mulk ka sadar ban jata hai. Ji, aisa ho chuka hai America mein. Lekin hamare yahan aisa hona bahut mushkil hai. Hamare yahan gareeb kisan ka beta to party ka sadar bhi nahi ban sakta, balki anjuman-e-tajran ka sadar bhi nahi ban sakta. Hamare yahan gareeb ka beta sirf jhumar party ka sadar ban sakta. एक मेहनत कश किसान के बेटे का अमेरिका का सदर बन जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर इससे भी बड़ी बात है कि मुश्किल फैसले करना और मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल का तायुन करना। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन की और उनकी बेगम मैरी टोड लिंकन। वेलकम टू मस्तियां। अभी उनकी फोटो अपने पाउडर वाले डब्बे ते नहीं आउंदी? अमरीका अंदरून रहती है। बाकी अंदरून ही रहती थी। अच्छा, मैंने सोचा था दो तारीखी किरदार हैं, कुछ तारीख की बातें करेंगे। इनके आपकी जिंदगी पे क्या असरात? तरखाना दा मुंडा सी, असी ते माशाल्लाह सेट हुन्ने सा, खांदे पींदे घर दी लड़की सा। मैं इत्थों तक चूरियां पाई हुंदी सी। मैं अम्मी जिहड़ी मेरी ना पीरी उत्ते बह के कोरबा बनांदी हुंदी सी, ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਰਬਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਿੰਕਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਥੇ ਨਾ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੂਟਾ ਥਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇਤਨੇ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਓਨੈਸਟ ਏਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਇਵਨ ਕਿ ਇਨਕੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਨ ਤਨ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਜਬ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। ਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਆਇਨ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਸਨੇ ਪਾੜ ਦੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਮੈਨੇ ਦੀਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਮੈਨੇ ਦੀਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਮੈਨੇ ਦੀਆ। ਕਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾ ਐਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ।
लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि उसने क्योंकि फिर इन्होंने आंख लाउनी अमेरिका का 16वां सदर बना वो और सबसे कामयाब और सबसे याद रखने वाला कि इसकी वजह से अमेरिका 2 लख नहीं हुआ। अमेरिका को शुक्र अदा करना चाहिए मेरा कि मैंने उसे एक नाम दिया। अब्राहम ऐसे घरेलू हालात के होते हुए भी आप सदर कैसे बन गए थे? दिस इज रिमार्केबल आई गेस। मैं ऐसा जिन्होंने हौसला दिया है। अच्छा मैंने कैसे हिम्मत नहीं आने मैंने तो समझा था आप थी जिन्होंने हौसला तोड़ा हर बार उनका। नहीं मैं इतने दी हिम्मत बना दी रही हूं। अच्छा कहां जाके किधर सदर बने ने वरना तो इतने मनहूस हैं जेड़ा इलेक्शन लड़ रहे ने हारे ने। बेसिकली ये इलेक्शन इसलिए जीते थे क्योंकि ये एंटी स्लेवरी के खिलाफ बात किया करते और उस वक्त एक बुक आई थी अंकल टॉम्स कैबिन जिसने के कहते हैं ना कि अमेरिका की किस्मत ही बदल दी थी और वो भी इन्होंने सैंक्शन की थी। सबसे बड़ा अजाब दुनिया में गुलामी है। बिल्कुल गुलामी से बढ़कर कोई अजाब नहीं। Exactly. और मैंने अपने लोगों को आजाद करवाया ये तो शुक्र करे ये औरत इस पर मेरी नजर पड़ गई चढ़ती रहती वहां पे। हाँ बिल्कुल लिंकन की 1863 में इनकी मुसलसल कोशिशों की वजह से सिविल वॉर में जितने भी कैदी थे वो आजाद हुए थे कैदियों को आजादी मिली थी एंड आई थिंक स्लेवरी के अगेंस्ट जितना काम अब्राहम लिंकन ने किया था उसके लिए हमेशा हमेशा ह्यूमैनिटी जो है वो इनके इंडेट रहेगी। क्यों बाकियों गुलामी तो आजाद करा रही थी मैंने सख्ती ने कहते तू अगर वाइट हाउस तो बाहर पैर पाया ना तो मैं तेरे गिट्टे छील देने नहीं। ये दोगले पे ना मुझे एक बात याद आई अब्राहम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कोट है कि वो कहता है कि मेरे जो राइवल थे ना इलेक्शन में वो कहते थे कि ये दो मुंह वाला इंसान है यानी दोगला है। अच्छा तो वो आगे से उसने बड़ा सिंपल जवाब दिया उसने कहा अगर मेरे पास दो मुंह होते तो मैं इस मुंह से फिरता। वाह बेसिकली अब्राहम लिंकन जो था ना बड़ा अच्छा रेसलर था और 6'4" उसका कद था और अच्छा 6'4" थी ये 2.5 फुट तक कितों पढ़ लिया जी। मैं पाकिस्तानी हूँ ना इसलिए। अब्राहम लिंकन का एक कोट है मुझे बहुत पसंद है। Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, yes. give him power. लो मैं अमेरिका से रही कि मैंने नहीं इंग्लिश नहीं आती जिन्हें नहीं आती। अच्छा ये भी कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में आप कहते थे कि उस वक्त जिन शिन रहते थे। मैंने नोट किया था ये बात मेरे इल्म में थी क्योंकि जब मैं रात पानी पीने जाता था 3 बजे तो लगता था कि कोई कदम मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं तो तुसी कड़ा कोल ही रख लेना सी कि पानी पी जाते। मैरी जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड ये गुलामी वाला निजाम खत्म करने जा रहे हैं तो आपको कैसा लगा था? देखो इन लोगों ने गुलामी का निजाम खत्म की थे मैं खुद इन दी गुलामी सारी जिंदगी कड़ी प्यारे प्यारे शौक सन रूबिये दे आए ड्रामे देखता सी गलियां लाइन च बह के अर्गस कुरी हुंदी सी दीवाना होंदा सी जाके मैं बड़ा मना किया मैं मुरझा वो मुर्गी हूं तू ही मुरझा लेकिन जाता रहा उथे गोली वजी सी गोली वजी गोली लगी क्यों जिन्हें गोली मारी कमेडियन सी मजाइया अदाकार सी अच्छा गल्ला ते नहीं सी हसदा होंदा जिन्हें साडियां गल्ला ते ऐन काला नहीं हसदा अल्लाह को डरना चाहिए किसी टाइम ढारी भी गैरत खा सकता। अच्छा लिंकन अगर आप सिविल वॉर हार जाते तो फिर क्या होता? मैं हारता ही नहीं मैंने अपना प्लान ही इतना खतरनाक बनाया था कि जिसमें नाकाम होने की गुंजाइश बिल्कुल निश्चित थी। इरादों के बड़े पक्के थे बहुत पक्का मैं कहता हूँ सीमेंट कुछ नहीं बेचता मेरे आगे। वाह इरादे मजबूत इरादे ने तो बड़ा पक्का है गाइस। अच्छा बीच में आपका ब्रेकअप भी तो हो गया था ना लड़ाई भी तो हुई थी वो छोटी सी बात हो गई थी वरना नहीं होता वरना नहीं वो तो सुना आपकी जिंदगी में कोई और भी आ गई थी। आपको क्या पता रूबी लड़कियों ने मेरे पीछे ब्लेड मारे हुए जब इसके बाद से मैंने इसका हाथ मांगा मैंने कोई शर्त नहीं रखी मैंने कहा लड़की मुझे 2 जोड़ों में कबूल है माशाल्लाह जिड्डा बाजी होंदा कादे 16 गज ते सूट ही बंदा होना उनों दा लेकिन इसका बाप इतनी दौलत होने के बावजूद इतना लालची मुझसे डिमांड्स करने लग गया लेकिन मैंने भी एक लीडर की तरह वो सारी डिमांड्स पूरी की। किन्नियां गल्लां कर रहे बुढ़ी इहदी बिल्ली ते चूहे दी कहानी सुना के इहनूं सवाउंदी। हाँ बिल्ली से याद आया बिल्लियां बहुत पसंद थी आपको। मैं तो मशहूर सब पूरे अमरीका माई बिल्लियां वाली। कितनी बिल्लियां थी आपके पास? मैं तो वाइट हाउस में हूँ इससे बिल्लियां होती हैं पागल था काम तो इसका चाचा कर रहा था ना। कबीना जी इन्होंने कितनी देर हुकूमत की थी? 1861 को ये सदर बने थे अमेरिका के और 1865 में उनका कत्ल हो गया तकरीबन 5 साल और इनमें और एक और कामयाब सदर है JFK जॉन एफ कैनेडी बड़ी कदर मुश्तरक है 100 साल बाद उन्हें भी सर में गोली मारी और दूसरी मुमासलत सबसे बड़ी कि जुमे वाला दिन था और इन्हें मारा था जॉन वेक्स बूथ ने और वो था ली हार्वे ऑसवर्ल्ड यानी 3 नाम उसके थे 3 इसके थे वो भी सदरन से था वो ये भी सदरन से था। अच्छा मैरी मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि आपकी पिटाई के प्रॉप्स क्या क्या होते थे? देखो मैं चाह रही हूँ
जिन्हें 400 साल पहले हरकतें हो चुकियां ने वो आज दी खवातीन ना करन अगर खामन लिंकन वर्गा हो ना बाज आवे तो फ्राई पैन ये आने तो पहले हल्का जे गर्म करके रखना दरवाजा खुले तो फराक मुँह तो मारना इस वे जो नाके तो लाल हो गए तेन याद रहेगा कि मैं लेट आया ठीक है जी या फिर कुछ नहीं मारना है ना तो एन दरवाजा खोल के हल्की जी थिब्बी करानी है यकीन मुँह पर डिगेगा मैं छोटे मोटे हर बेइस्तेमाल कर दी गई हाँ ठीक है जी या फिर सुते पे वाल पुट रहे ने वो नहीं बता रही वाल फर के ना पावे तो मार लेने अरे क्या नहीं किया औरत के लिए मैंने औरत की होती है जान को वो पहले तो जान कहते होते औरत ठीक है मेरी जान की दुश्मन क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने बाजी बा जिस तरह मैं कहना बाजी बैठी है ना इस तरह अफगानिस्तान च आजादी के दिन च मोटरसाइकिल सजाई होती है अच्छा भैया एक बात की समझ नहीं आती गल छाड़ी दे तू अच्छा मुझे एक दफा फिर एक बात की समझ नहीं आती कि काफी ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बीवियों से मारे ही बहुत खाई और क्या वो क्या वजह जॉन एफ कैनेडी बिल क्लिंटन ट्रंप ओबामा नेम इट अच्छा नहीं रहा तो उसकी बिल्डिंग ने उसको असर रह गया वो तो जरा भी सदर होगा चपेटा ही खाएगा मैं तो बीमारियों की मुफ्तला होगी सैदे चकड़ा चे हाय 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 बाजी लस्सी ना सेर तो आया हाँ मैंने सुना है कि आपके सर में भी दर्द रहता था मूड स्विंग्स होती थी आपको वो इसकी वजह से थी ये तो बेचारा बोलता ही नहीं है यार ये तेरे की दसां मेरे ते इतने तीसां होती है नहीं मेरी तेज लग रही पुरपुरी पार जाएगी इतनी दर्द हो नहीं मैं इन्हें फिर मैंने क्या तू सिर बन लिया कर हूं मैं सिर बन के व्हाइट हाउस फिर दी कहो जी लग रही है करी खान का बड़ा शौक होता नहीं मैंने तो सुना है कि लिंकन को क्रैकर्स पसंद थे फ्रूट्स पसंद थे पसंद से जो मैं खुआना मैं अपनी दस रही है ना करी बड़ी पसंद से वैज तो उसके पिछले गुजरा का दे रहा हों अच्छा। मैं डोल लैके तो उन्होंने घरों लस्सी लिया रही है और मैं की कर सकती हूँ खराटे इतने इतने बुरे मारदा तो मुझे लगता है खराटे नहीं जुडो खराटे खेल दंडे एहसान नहीं किया तुमने तुम मेरी ज़ौजा थी मेरी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज था और ये खिदमत कीती है और मैं की करा तेरी खातर अच्छा तुसी दोवे बोलदे हो तो मुझे इंज लगता कोई यमन दा टीवी चल रहा है अगर खराटे मारते थे तो आप इनकी नाक पे चुटकी लगा देती हूं सुन लिया जे किसी डॉक्टर को नहीं जाना एदे कोल आना तुसी बस मेरी जगह ते खतूने वल तेनू होना चाहिए जो खराटे मारते मैं किसी ने कहा कि सड़ाने जूती पुठी कर दो कोई फर्क नहीं पिया सिर च मार दे किसी ने कहा सड़ाने ताला रखो खराटे बंद हो जाएंगे ये खराटे ना ताला खुल गया खराटे बंद नहीं अच्छा लिंकन मुझे ये बताएं कि ईमानदार होने के फायदे तो होते हैं मगर उसके नुकसान बहुत होते हैं आपने क्या क्या नुकसान उठाए ईमानदारी मैंने खुद चूज की है वीना ईमानदारी ना चूज करता तो शायद मैं बददियानत होता और मैं आज तारीख में बहुत ही बुरे इंसान के नाम से जाना जाता और हाँ सच्चाई इंसाफ और मुनसिफी की कीमत चुकानी पड़ती है यारो बाजी दा मुंह साइड तो देखो लगता कोई हाथ मिला रहे है हमद तेरी ते बाजी दा दी शक्ल बहुत मिलदी है आपा अच्छा बाजी मेरी एक सच्ची सच्ची गल दसना ए तानू टाइम ते खर्चा देंदे सन घर दा की केरा खर्चा तन की दसां ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਸਨ ਚੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚੇ ਪਜਾਂਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਬੇਗਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਢਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਢਾਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਤਬ ਹੋਈ ਹੋਗੀ जब मैरिट हो इनके खानदान में तो बहुत सारे गुलाम थे और आप गुलामी खत्म करना चाहते अच्छा, तो कैसी तेज है उर्दू उर्दू सारे उन्होंने घर के भेत लाई जान रही नहीं मैं थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ वो था? बड़ा अच्छा सवाल कर रही है अगर ये सवाल ना करें तो आपको पता ही ना चले कि आज जो आजाद अमरीका की बात करते हैं वो इसकी मरहून मिनत है वाला इन अमरीका की आजादी की कितनी फिक्र पई है आजादी दवाई और तेरे पीछे बैठा है जरा उन्होंने पूरा खानदान पट्ठे से कह दे पहले उन्होंने आजाद करा जब मेरी आप शादी का वाक्या सुना रही थी भाई शादी के क्या वाक्या पूछते हो मैंने उनसे पूछा है कुछ छोड़ा ही नहीं बताओ मैंने क्या किया अच्छा आपके पास ना गलत रिसर्च आ गई है कि लिंकन कम गो थे जो रियल वाले लिंकन थे ना वो ये नहीं है इस बेचारे दी जराबा ते बूट ते देखो लगदा लिंकन है लेकिन गेटअप बहुत अच्छा किया हां जिद्दो साडी शादी हुई ने वी ना मेरिया भैन दुध पिलाई दी रसम करना आई ने अच्छा ये डक कमीना अपनी जेब चो छोटा डब्बा करके दुध पीन लग पाया कहना भाई इसे अपना दुध ना लैके आए गए फिर मेरिया भैन ने जुत्ती लिखाई
रस्म होंगी ना जुती लगाई साढ़े भी उधर होंगी इतना कमीना निकलिया सवेरे उठ के वेखे तो मेरे बाई की जुती पा के निकल गया $4 दी इतने $4 वाह वाह बाजी मैरी तो जो शादी की रात ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गई है तो कुछ 7.5 घंटे तो सिर्फ नक् बनाने लगे ने इतना चला के इधरों मैं हक बैठ देता है 5 मिनट बाद मेरे ताश खेडा तो मेरे को जीत गया अच्छा मुझे ये बताएं आपका जो मिडिल नेम है टोड मैरी टोड लिंकन ये किसने रखा था यानी टोड जरा मेरा यूनिवर्सिटी का नाम ही गए टोड बटोड का अबू सी ना जी आपको पता है टोड का मतलब क्या होता है टोड साड़ी जात ही ये अपने गांव के बहुत बड़े मेंढक हैं अरे ये मैं को एक दुख चले जिद शादी जरिए बिद लेके आई बिद $1.5 दी बिद लेके पूरा रेरा भर के बड़े मनके खुशक छुआड़े कौरे बादाम जेरे जेरे बंदे ने बादाम मुंह च पाया थुकदे ही फिड़े हाय हाय केड़ी बिद लै तू और इन्हां दे वलीमे ते डड्डू मूंगरे पक्के सी वीना जितना शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो ना बेतड़क हो के यहोजे बंदे को आके कहते तेरे को नवे नोट होने वीना तुमने मेरी खुराक नहीं सुनी पिस्ते अखरोट चिलगोजे चार मगज ये सब खाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं अपनी कौम बना रहा था सारी जिंदगी ने कौम बनाते लाती जान बनाई नहीं अगर जान बनाई होती तो जो गोली वजी हल्का जान हो सकता सी बेगम काश मेरी आंखें पीछे होती तो मैं यूं हो जाता अच्छा बंदे नु तो मार पैन रही होवे ना थले उर्दू नहीं छड़दा भाई कब से कह रहा हूं ना मारो क्या पता नहीं क्या कर रहे हो यार देखो ये थोड़े से चोट आती है यार ये क्यों होता है यार ये देखो ये क्या हो गया है आई थिंक वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर स्टे ट्यून्ड मस्तियों में एक मर्तबा फिर खुशामदीद जी आज की खबर है कि 5-स्टार होटल में क्याम के बाद बिल अदा किए बगैर फरार होने वाला शख्स बिलाहिर गिरफ्तार कर लिया गया ओए होए होए बड़ा ही कारीगर आदमी था कोई अभी देखो ऐसा भी होता है एक 65 साल का शख्स इंडिया में अरेस्ट हुआ है जी और जिस भी होटल में चेक इन करता था महंगे महंगे होटल्स में बड़े बड़े होटल्स में बिल दिए बगैर भाग जाता था और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब निकाला गया तो पता चला कि होटल में जब उसने चेक इन किया तो होटल वालों ने जब उसकी शान और शौकत देखी और उसका रोबो दबदबा देखा तो कोई एडवांस पैसे नहीं लिए उससे कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी है और उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ अभी होटल से अच्छा। और 100 लोगों की ज़ियाफ़त का बंदोबस्त कर मैं वापस आ रहा हूँ और उसके बाद रफू चक्कर हो गया तो ही वाज अरेस्टेड लेटर ऑन कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में ये बड़े बड़े लोग लुटेरे ने जी बड़े बड़े मुख्तलिफ अंदाजा से लुटते हैं बहरूपियों से और नौसरबाजों से तो तारीख भरी पड़ी है हमारे आजकल के दौर में भी पाए जाते हैं अमरीका में एक बंदा था वो क्या करता था इसी तरह रहता था यानी 4-5 दिन उसने स्टे किया उसके बाद ना वो कमरे में चूहे छोड़ दिया करता था अच्छा। और बाद में उनको इतला करता था कि देखिए जी आपके चूहे हैं यहाँ पे इसने मेरी फलां चीज खराब कर दी फलां चीज खराब कर दी अब मैंने पैसे नहीं देने तो आखिरकार सीसीटीवी में पकड़ लिया तारीख तो खैर से किरदारों से भरी हुई नटवर लाल कितनी सारी बिल्डिंग्स उसने बेच दी थी इंडिया की ताजमहल को मल्टीपल टाइम्स बेच दिया था उसने कहते 3 दफा बेचा था सत श्री अकाल जी मैं बलबीर सिंह बीरी जी ए मेरे होटल दा जिहड़ा ना ए घटना घटी है मैं बड़े बड़े कलाकार देखे है लेकिन इन्हां वर्गा कलाकार मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखे अच्छा आप होटल के मालिक हैं नहीं जी मैं उत्थे दा मैनेजर हां अच्छा मैं मुख्तलिफ मुल्कां च रहा मैनेजर होटलों का हूँ मैं केरला चला गया सी ते केरला च ए भाई हुरी है जिन्हों का बड़ा छोटे बेलचे वर्गी शक्ल है इन्होंने उत्थे फ्रॉड जिहा कीता जी आप पंजाब से मैं पंजाब तो जी कौन से शहर गुरदासपुर गुरदासपुर तो गया किसी ने पूछो बीरी बीरी वाल तो छड़ गया गुरदासपुर का कोई बंदा होगा बीरी नु जरूर जानता होगा मेरा होटल कोई उत्थे को मामूली होटल नहीं पूरी मैनेजमेंट है हाँ जी बड़े बड़े कलाकार उत्थे आंदे आ लेकिन मैं कहना मैं मन गया इन्हें भाई होरां नूं जिन्होंने कौड़ी दवाई पीती है ऐसा कलाकार नहीं देखा होगा हेलो की हाल है ठीक ठाक हो जी और सुनाओ सब खैर अच्छा आपको पता है ये किनको कॉपी कर रहा है हमारी फिल्म और टीवी के लेजेंडरी एक्टर अली एजाज साहब कॉमेडी सीरियस किस तरह का कैरेक्टर जो उन्होंने नहीं किया था नहीं थोड़े मुल्क दे बहुत बड़े कलाकार सी असि भी उन्होंने दीवाने हैं मैं बड़ा फैन उन्होंने दा मैं साला साहब बड़ी बारी देखी ये जो फ्रॉड कीता ना जी हां जी ते मेरे नाल भी पैगी दोस्त जराना पा ले रे मेरे नाल मैं कह भी यारां कोलो किड़ियां चीजां लुकाईयां जांदी इसीलिए तो एडवांस नहीं लिया ना आपने मेनू तोहफा दित्ता ने घड़ी अच्छा दो घड़ियां इक्को जिहियां लैके आया मैं तां इन्होंने ओ दोवें फोटो लाईयां इत्थे घड़ी रख के मैं कहा जा रहा कोई नहीं 1.5 महीने तो रह रहा होटल च पुछो अन्न पानी वालों नहीं नहीं हाँ जी को सेवा वालों ना इन्हें बड़ी खिदमत की मैनू कोई इन्हें गिला नहीं है कहते ने कर सेवा तो खा मेवा असी मेवा नहीं सी खाना असी तो धोखा खा लेना मैं कहा पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का मैच लगना तो घर मैं टीवी है नहीं इन्हें झट च मैं टीवी मंगा के देता किदा हो सकता मेरा भतीजे जेड़े है वह मैच ना देख
आपको समझ नहीं आई उस वक्त की आपको रिश्वत दे रहा है? रिश्वत नहीं सी, मोहब्बत मोहब्बत। रात को 3 बजे तक होटल दे किसे कमरे में अगर रौनक होंगी सी तो इन्हें कमरे क्यों 2:30 बजे तो बाद खुद नचन लग पे जब मैं पे शक अच्छा माड़ा ही शक पे मैं मड़गी टली खड़काई है। नहीं शक आपको कब पड़ा जब इसने 100 लोगों की ज़ियाफ़त का ऑर्डर दिया और खुद नहीं आया? मैं थोन दस्ता हाँ भी ज़्यादा ने 100 बंदे का ऑर्डर दिता कि कल उन्होंने रोटी देनी है। रोटी तो अभी 1.5 महीने तो नहीं दे मैनू अभी शक जहा पे मैं बिल नहीं दिता भोरा 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 करके दे रहा है ये गल की है मैनू ना शक हो फिर मैं किया दास नू फोन अच्छा मैं दास आ जा एक्सक्यूज मी ये पीछे कोई पिक्चर लगी हुई है क्या? ये पिक्चर नहीं जी मैं भी मुतासरीन में से हूँ इसने मेरे से 50% पैसे ले लिए और मुझे लंबे लंबे सब बाग दिखाए। आपका भी होटल है? इन्हें तो बम्बई होटल है जी। मैं तो वीना जी हैरान हूँ ऐसे शख्स हमारे में जी कैसे रहे हैं? हमारे लोग ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं? सादगी उनके दिल में भी लालच होती ऐसे है। कर लेते हैं ऐसी। मैंने जी 5-6 दिन ना इस बंदे की रैकी। अच्छा ये करता क्या? ठीक है दास पड़े पहले होटल में 3-4 दिन साड़ी पाके फिर आया। अच्छा अच्छा इतने सालों में पहले भी किसी ने आपको लूटा है या ये पहला बंदा जिसने लूट लिया? हुंदा भी छोटिया मोटिया चोरियां कर लिया कमीने जी आंदे ना भी उतो फड़िया गया बीना जी ते झूठा नहीं पैन दिया नहीं कोई 65 कार्ड ने कट के मेरे के रखे। अच्छा पैसे कटो जेड़ा कार्ड एंकर के मारिए बिचो अंग्रेजी च गाला हां ये साले ओदे च है की जड़ा कड्डन डए हो तुसी अपनी अपनी किस्मत है मेरी खाला भाई दा रवान दा होर इज्जत वधी मैं दुध पत्ती उदो मंगाई फौरी। अच्छा मैं गुरदास साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसको कितनी सजा होगी? इसको कम से कम ये फ्रॉड की जो है ना 35 साल तो होनी चाहिए मेरे पास। ये तो बहुत थोड़ी सजा है। बहुत ही होगी ना 35 साल कितने नहीं जीना। ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाकी कितने भी जराइम हैं उनकी सजाएं बहुत सख्त है जैसे मर्डर है किडनैपिंग है और बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनकी बहुत सख्त सजाएं लेकिन ये जो फ्रॉड करते हैं धोखा करते हैं चीटिंग करते हैं करप्शन करते हैं कुछ मुल्कों में तो इनकी बहुत सख्त सजाएं हैं लेकिन हमारे यहाँ इनकी सजाएं बहुत कम है। यहाँ पे साइबर क्राइम जो है वो काफी एक्टिव है लेकिन ये है कि तादाद ही इतनी ज्यादा कि वो भी क्या करें बेचारे। अच्छा वीना जी आपको कभी सबा का फोन आया? सबा वो द फेमस इजी लोड वाली? नो मैंने उसको सुना है कि वो आप लोगों की टीम के कैरेक्टर है मिर्जा साहब उनको मैसेज आया था सबा का। अच्छा भाई जाके लोड करा के आ गए थे। मैं कुछ नहीं जानता मुझे मेरा 1-1 रुपया वापस चाहिए। यार तुम्हें प्रकाश मिल जाएगा तुम्हारा पैसा बीरी को भी पैसे मिल जाएंगे। पुलिस वाले साहब ये इसको लंबी सजा होनी चाहिए। गल्फनो इन्हें फर्क करा दियो मैं तो नहीं निबल लांगा। वो तो चाबी काउंटर दे के डे रोब ना क्या कि जन मेरा कमरा क्लीन कर दो जो मैंने कल ही बिल दे देना। हाँ जी ऐसे माफी नहीं बनती ना नहीं जी बिल्कुल फ्रॉडियों की ही बनती। और तुसी ये देखो टप च झग बना के बीच लेटे हुंदा सी हाय हाय दा जहर नु लगदा ना लेकिन मैं कहना सोने लगदे फेरी भाई मेरी गल सुनो तुसी फिल्मा वेखदे हो? मैं कुछ टाइम लग जाए फिर माड़ी जी देख लीजिए दी पाकिस्तानी फिल्मा भी कभी वेखी है? आ देखी दी है क्यों नहीं थोड़ी मौला जड़ जड़ी बड़ी धुमा पाई उन्होंने ते ये थोड़ी को फिल्म बनी सी साडे उथे पिंड दी कुड़ी हाय ऐ इकबाल ढिल्लू वाली माड़ा माड़ा ना मानदा इन्हां दा पैंदा है एहो ही ते सी पिंड दी कुड़ी नहीं नहीं तारिक जावेद भी थे उसमें तारिक जावेद साहब भी थे अशरफ राही साहब भी थे आज ओए ओ कुड़ी ये ओए ओ पेड़ दी कुड़ी तुसी से मैं थोनू लभदा फिरदा उन्होंने ब्रेक भी लेनी है अभी बाद च ले लेना ब्रेक नहीं नहीं आप बैठे मैं तो फैन हूं ना ओ तू बैठ तू जाए ना माड़ा जा खड़ा होके मैं सेल्फी लेनी सी नाल यार अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडियन मूवी आपने ही की ना जी वो फर्स्ट पंजाबी फिल्म थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोलैबोरेशन हुई थी सालगिरह के दिन रख ली उथे को असि अपने होटल दी तरफ इन्हें ट्रीट दी थी भी बलून लाते अच्छा कमरा सजाता हां जी राती केक कटिया राती और रौनक मेला लगा दिने में गया ना उथे को बलून ना ए उथे घंटे बाद पता लगा ए ता होटलो पार खड़ा होके बलून बेचन रिया देखे ए की कहंदे मैं फील कर रहा भी गरीब आदमी किदा रोटी कमांदा एडा फराडिया। जब मैंने इसको पहली दफा देखा मुझे शक हुआ लेकिन जब दूसरी दफा मैं मिला मैंने क्या इस मुंह पे क्या शक करना लेकिन मैं नहीं जानता मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए यार, किसी भी सूरत में चाहिए। इसको मैं छोड़ दूंगा तुझे उम्र कैद कर दूंगा मेरे भाई। यहां मिलेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक स्टे विद अस वेलकम बैक टू मस्तियां अगेन
Well, अभी हमारे पास आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड मैटर्स अ लॉट टू अस. तो जानते हैं रुवीना से कि पहला कमेंट कहां से और किसने किया है. यस रुवीना. माशाल्लाह रुवीना आज के दौर च सबिया बेगमर के वाल बनाए. पुरानी सुल्तानी दी फिल्मां च इहो जी विगां पाईयां हुंदियां सी उन्होंने. ओ मनवर जी सादा तुसी गाना सुनिया नशियां ने साड़िया ओदे च इहो जी पिछे एवें इंज करी. अच्छा रवीना वर्गी कुड़ी ना वोटी तो बहुत रोन रही होंगी. क्यों? मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. यस रवीना. फुरकान साहब हैं कराची से और उनका सवाल अजहर रंगीला से है कि आप शो में इतने मुरझाए हुए क्यों लगते हैं. नहीं जी, मैं खान ब्रादरान तो बड़े शौक से मोहब्बत से करता हूँ, मगर यह है कि बाकी शो में भी मैं खिला खिला रहता हूँ, मगर एक मेरी आदत है जब सारे फनकार अच्छा कर रहे हों तो मैं जबरदस्ती बोल के खराब नहीं करना चाहता. बच्चे भी बैठे उठते इन्हें इंज ही लगता है जिम्मे किसी के बच्चे बैठे. कई बार तो बच्चे छट्टा मार देने पानी का कि अबू मुरझाए ने. असल चलो इन्होंने विग किसी मुरझाए बंदे की ला ली. हाँ. बहुत वजन है वरना खुद तो बड़े जॉली पर्सन है. और जिंदगी च लुटे नहीं जा सकते. क्यों? हमेशा विग थले तो पैसे लगाते. ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠੋਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ. ਵਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਵੈਸੇ ਇਨਕੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਭੀ ਵੀ ਹੈਅਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਨਾਈ ਕੋ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆ. ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਬੂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ. ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਯੂਕੇ ਸੇ ਅਸਦ ਕੈਫੀ ਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ कि मुझे कोई अच्छी सी मूवी रेकमेंड करें. मूवी को रेकमेंड करें मेरे भाई, देखें आजकल आपके टेस्ट का नहीं पता कि आप कॉमेडी के शौकीन हैं या ड्रामा देखते हैं किस तरह की. अभी इस सवाल ने तो अपनी तबीयत लिखनी पड़ेगी भी केड़ी फिल्म देखना चाहते हो. कैफी साहब नु फिल्मा दा बड़ा नॉलेज है. इन्हां नु उस फिल्म दे बारे च भी पता जेड़ा आटा दे के देखी दी सी. ए लौर वेख लो, पिछौर वेख लो, यादगार ओ फिल्म चलन रही अगे वेख लो. और नेक्स्ट कमेंट क्या है. मिस जारा लाहौर से हैं और उनका रूबी अनम से सवाल है कि आप किस एक्ट्रेस को कॉपी करती हैं. मैं किसी को कॉपी नहीं करती. ए, मेरे साहब ना माहियों कुरैशी साहब नु कॉपी करती हूं. अच्छा रूबी वैसे लेडीज अदाकारा चो ना सावन साहब है. आपने पंजाबी एक्टर थे सावन साहब. आ जवान त हौला. मैं समझता हूँ कि रूबी आपा को बॉलीवुड में अच्छा, आपा ना क्या तेरे ओदे च मैं 6 महीने दा ही फर्क है. अबू बकर साहब नु नींद ना ना आंदी होवे ते घर एक फोटो लाई ओ बंदा जमाई ले रहा ओदे अल वेखदा. मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा रूबी अनम को कि मैंने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस देखी है दिव्या दत्ता. मुझे लगता है कि वो इनको कॉपी कर. वाह आई अल्लाह, वो बहुत बड़ी फनकार है. और नेक्स्ट कमेंट क्या है प्लीज. मिस्टर उस्मान का अबू बकर से सवाल है कि आपको ये सारे आर्टिस्ट प्रोग्राम में बात क्यों नहीं करने देते. यार अभी तो सारी बातें हुई हैं. अच्छा ये जो बंदा ना यूएसबी से 10 फिल्में कराए ना तो देख ही नहीं सकता. क्यों? टीवी का रिमोट ही नहीं लगता. ये ना ऐसे बात मशहूर है कि सबसे ज्यादा यही बोलते हैं. मैंने देखे हैं. तानू पता ही नहीं लगता घर जाके शो देखा करो अक्सर ताड़ियां लेना भी बोल जाते हैं. और जहां तक आपकी बात है तो हम आपको बता दें कि हम जितनी भी बातें करते हैं उसमें मोस्टली बातें जो है ना हमें अबू बकर भाई ही बताते हैं. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मुझे रोकते हैं क्योंकि जब रोकते हैं तो मेरी भी बेख्तियार हंसी निकल जाती है. वाह. तो इसलिए आप लोग इसको डाइजेस्ट करें. चाहे मुझे बंदे दी 5 लाख दी कमेटी निकले फिर भी दस रहे 5 लाख दी निकली. जफरी साहब 5 लाख से आजकल बनता क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जिन्ना कर दो तुम 15 कमेटी ना बुलाओ तो सब तो पहले यह सोता होगा. ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर राकेश का सरदार कमाल से सवाल है कि चुनी बाबू के रोल के दौरान दूध की बोतल की बजाय फीडर रखते तो ज्यादा अच्छा लगता. फिर मेरे आप वो और भी रोल अच्छा हो सकता जी मैनू असली दूध मिल जाता. मैं कहना जिस बंदे ने प्रोडक्शनल ने दूध दिता है ना मैनू लगा कि ओदी अपनी जाती मजद है. इन्ना पतला दूध लिया के दिता है उन्हें सिर्फ ओदी चटियाई हल्की जी कैम सी. अदरवाइज कोई दूध शुद्ध नहीं सी. अच्छा मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ह्यूमर. I'm a huge fan and we are so proud that he's part of our. Sardar saab te gaana si kudi e pazeban wali cheetan te yari lai cheetan te yari lai pyar da chunga pa ke dar lagda hai gunna jaave bhi ho la ra ka ke
गाने की बात हो रही है तो फिर असली वाला गाना सुने। ये नकली गाना था? अरे भाई ये तो फिल्म का गाना था और सना के साथ। बिल्कुल फिल्म का गाना था लेकिन अभी तो नहीं गाया जा रहा ना, हम आपको भी सुनवाते हैं। अच्छा बीना जी कभी अपनी भी आवाज चेक करवाएं हमें, आप भी गाना गा लेती है? गाना गा तो लेंदे नहीं, सुनने वाला कोई नहीं होता। और इसके साथ ही आज की मस्तियों का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।